हाई फ्रेंड्स वीडियो मैं हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वित् आंसर डिस्कस हिंदी मन की रोड क्वेश्चन इतना पद्य भाग में क्वेश्चन गद्य भाग में क्वेश्चन रेट की इंटरनल चॉइस उ 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन अंत मन की लांग आंसर्स की 20 मार्क्स उ वीडियो चूस्ते 20 मार्क्स ईजी वस्ताई वीडियो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड अंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फर् प्री फाइनल अंड बोर्ड एग्जाम डोंट स्किप द वीडियो वॉच टिल द एंड बरसते बादल कविता गुरिंची चूद्दाम सारांश बरसते बादल कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है, उसमें भी सावन का महीना अधिक सुंदर और मन भावना होता है। सावन की वर्षा सबका मन मोहित है। सावन के मेघ जमजम बरसते है, वर्षा की बूंदे पेड़ों से जनकर जमजम आवाज करती धरती पर गिरती है। मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है। दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है, लोगों के दिल में सपने जगने लगते हैं। वर्षा के बरसने पर दादुर टर-टर आवाज करते हैं, आसमान पर बादल घुमंडते गरजते हैं। रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात मन खुश करते हैं। उनके छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं, धरती पर जल की धाराएं झरती है, इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अकूट फूट पड़ते हैं, अर्थात मिट्टी का हर कण अति प्रसन्न लगता है। वर्षा की धाराओं के साथ कवि का मन झूलने लगता है। वे लोगों को आमंत्रित करता है कि आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन की गीत गाइए। हम सब लोगों इंद्रधनुष के झूले में जलने का आनंद ले, यह कामना करें कि मन भावना सावन हमारे जीवन में बार बार आए। एक कविता का विशेषता, इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण अंकित किया है। इस कविता से संवेदनशीलता का विकास होता है। कंकन का आधिकारिक पाठ का सारांश लिखो, ये क्वेश्चन अड़िगिना ई लेसन लो ई आंसर रायंडी स्टूडेंट्स। श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार है, भाग्य है। हमारे जीवन में मानव समाज में श्रम का बड़ा महत्व है। जीवन में सफलता पाने के लिए श्रम करना अनिवार्य है। सो लाइफ लो सक्सेस अवटानिकी श्रमिंचडम चाला इंपॉर्टेंट। श्रम ऐसा प्रयास है जिससे असंभव कार्य को भी संभव में आसानी से बदल जा सकता है। सो ई कष्टम ఎలాంటిది అంటే అసంభవ కార్య అంటే డిఫికల్ట్ వర్క్ ని కూడా ఆసానిసే బదల్ సక్తా హై, చాలా ఈజీగా చేస్తుంది। శ్రమ కర్నే వాళ్ళ వ్యక్తి హి శ్రేష్ఠ ఆర్ ఉచ్చ స్థాన్ పాతా హై, ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళే శ్రేష్ఠమైన స్థానానికి వెళ్తారు। మెహనత్ ఈ సఫలతక కుంజీ హై, సో కష్టపడటము సక్సెస్ కి ఒక కీ, కుంజీ అంటే కీ। श्रम करने वाला कभी भी जीवन में हारता नहीं है, एवरैते कष्टपड़तारो वाळ्ळकि लाइफ लो पराजयम अनेदि उंडदु। सदैव आत्मा विश्वास के साथ निरंतर श्रम करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। श्रम करने से यश संपत्ति जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं इज्जत गौरव मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। श्रम पड़ वल्ल एमोस्तुंदी अंटे यश अंटे नेम फेम संपत्ति धनम जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं। सो लाइफ लो कावाल्सिन अन्नी फैसिलिटीज इज्जत आदर गौरव गौरवम मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। सो कष्टपड़ वल्ल इवन्नी अड्वांटेजेस उन्नाई। जो व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रम करता है वही सुख पाने का सच्चा अधिकारी है। एवरैते पनि चेयडानिकि चाला कष्टपड़तारो वाले सुखपड़टानिकि अधिकारी अंटे अर्हुलु। श्रम करने वाटिनायों को अपने परिश्रम से अपने अनुकूल बना लेता है। एवरैते कष्टपड़तारो वाळ्ळु डिफिकल्टीस नि कूडा ईजीगा ओवरकम चेस्तारु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। मीराबाई कहती है कि मुझे मिली है, मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है। मेरे सद्गुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है, उनकी कृपा से मैंने उसे स्वीकार किया है। जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया है।
लेकिन इसके बदले में संसार के सभी चीजों को कोई हूं, फिर भी मैं बहुत खुशी हूं, क्योंकि इस कोई भी नहीं खर्च कर सकता है, कोई भी नहीं लूट सकता है। दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। सच रूपी नाव के नाविक मेरे सदगुरु है, उन्हीं के सहारे में भगवत उन्हीं के सहारे में बहुसागर को पार चुका हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर चतुर है, उन्हें मीराबाई खुशी खुशी से गाती है। इस प्रकार मीरा इन पदों में श्री कृष्ण को सदगुरु की कीर्ति बनाकर उनका दर्शन करने का उद्देश्य प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास की दास भक्ति भावना को भक्ति पद पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। रैदास की चौपाइयों में समर्पण की भावना दास भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। रैदास अपनी भक्ति के बारे में कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन है तो मैं पानी हूँ, हे प्रभु तुम बादल है तो मैं मोर हूँ। बादल रूपी भगवान को मोर रूपी भक्त देखता रहता है। प्रभु जी तुम मोती है तो मैं धागा हूँ, आपसे मिलने में मेरी सुंदरता बढ़ती है। प्रभु जी तुम स्वामी है तो मैं दास हूँ। इस प्रकार कवि रैदास जी ने अपने प्रभु के प्रति अपनी दास भक्ति दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रहीम के दोहों का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविवर रहीम का पूरा नाम कानकाना अब्दुल रहीम था। उनका जीवन काल 1556 टू 1626 था। वे सहृदयी, कुशलवीर और राजनीतिज्ञ थे। वे अकबर के दरबार कवि और मित्र थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराज, नीति विषयों पर रचनाएं की। उनके दोहे नीति परक और उपदेशात्मक है। कवि रहीम कहता है कि यदि हमारे पास धन संपत्ति है तो कई तरह के लोग नाते रिश्ते जोड़कर सगे बन जाते हैं। उन लोगों में हमारा सच्चा मित्र कौन है और पराया कौन है, इसका निर्धारण विपत्ति कष्ट कर देता है। संकट के समय सच्चे मित्र ही आ देता है, झूठे लोग तो किसक जाते हैं। संकट के समय में हाथ देने वाला ही सच्चा मित्र है। रहीम कहता है कि सबको पानी रखना आवश्यक है, पानी के बिना सब व्यर्थ है। पानी का हर्द होता है चमक, कांति, मान, इज्जत और जल। चमक के बिना मोती, मन के बिना आदमी और जल के बिना चूना बेकार है। चमक के जाने से मोती व्यर्थ होता है, माने के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, जल के ना रहने से चूना व्यर्थ होता है। हम भारतवासी कविता के सारांश चुदाऊं। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में आरपी निशंक जी विशिष्ट स्थान रखते हैं। अपने इस कविता में आप छात्रों में देशभक्ति भावना के साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि उत्तम गुणों का विकास करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम अपने मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत हृदय दिखाएंगे। सब में ऊंचे नीचे का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत की दूर भगाकर अमृत बरसाएंगे। निराशा को दूर करके लोगों में विश्वास जगाएंगे। जीवन पथ से भटकाने वालों को सच्चा राह दिखाएंगे। खुशियां रूपी दीप जलाकर जीवन ज्योति जलाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के समस्त क्लेशों को मिटाकर शक्ति भर धरती को स्वर्ण बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबम भावना हम दुनिया से सरसाएंगे। ऐसे सच आशय मन में रखकर हम दुनिया को पावन धाम बनाने में अपना पूरा जीवन लग देंगे। विशेषताएं, इस पाठ का यही विशेषता है कि देशभक्ति, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग आदि भाव व्यक्त किए गए हैं। यह प्रेरणादायक कविता है। इप्पुडु गद्यभागं क्वेश्चन आंसर चूद्दां स्टूडेंट्स। ईदगाह कहानी चूद्दां। प्रेमचंद जी के सफल एवं असरदार कहानी है ईदगाह। यह आदर्श युक्त यथार्थवादी भावनाओं से भरपूर है। हमें 4-5 साल का दुबला पतला भोला भाला लड़का है। उसके माँ बाप चल बसे है। अपने बूढ़ी दादी अमीना की देखभाल वह करने लगा है। हामिद एकदम अच्छा और आशावान लड़का है। उसके पैरों के जूत तक ही नहीं है। आज ईद का दिन है। सारा वातावरण सुंदर और सुखदायी है। सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाने वाले हैं। हामिद भी ईदगाह जाना चाहता है। तब अमीना उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजना राजी होती है।
सब लड़के 3 कोस की दूरी पर स्थित ईदगाह पैदल जाते हैं। वहां नमाज के समाप्त होते ही सब बच्चे अपने मनपसंद खिलाने और मिठाइयां खरीद कर खुश रहते हैं। हामिद तो मिठाइयों को ललचाई आंखों से देखता है मगर चुप रह जाता है। बाद लोहे की दुकान में उनके चीज के साथ चिमटे भी रख हुआ है। चिमटे को देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। वह सोचता है कि चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी और उसके हाथ भी नहीं जलेंगे। ऐसा सोचकर वह दुकानदार को 3 पैसे देकर चिमटा खरीदता है। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी परवाह न करके वह गर्व के साथ घर आकर दादी को चिमटा देता है तो पहले दादी नाराज होती है मगर हामिद के तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना इसलिए मैं इसे लाया कहने पर उसका क्रोध प्रेम में बदल जाता है। हामिद के दिल के चाक सद्भाव और विवेक गुण से उसका मन गदगद होता है। खुशी के आंसू बहती है। इस तरह ईदगाह के मेले की इस घटना दृष्टि में रखकर हम कह सकता है कि हामिद छोटा है फिर भी विवेक में प्रेम में अपने साथियों से अलग स्वभाव का लड़का है। लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है। कैसे? लोकगीत गुरिंचि एक क्वेश्चन अडिगिना ई आंसर रायल। लोकगीत लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये जनता के संगीत है। ये घर गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके लिए साधन की जरूरत नहीं होती। इनकी रचना करने वाले भी ज्यादातर गांव के लोगों हैं। स्त्री ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लोकगीत देश के गांवों और देहताओं में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। इनकी रचना करने वाले अपने गीतों के विषय रोजमर के जीवन से लेते हैं। लोकगीत की भाषा गांवों और इलाकों की बोलियों से संबंधित है। ये ढोलक जांच करताल बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। ये लोकगीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध है। इसके आधार पर हम कह सकता है कि ग्रामीण जनता के मनोरंजन के साधन लोकगीत है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। आज भारत के अलावा बांग्लादेश नेपाल म्यांमार भूटान इवन्नी देशाल्लो अंतर्राष्ट्रीय आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। हिंदी की साहित्य रचना में वहां के हिंदी साहित्यकारों का विशेष योगदान है। विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है। विश्वभर में आज करीब 150 विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोषों का संचालन करना रहे है। सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। हिंदी की कई वेबसाइट भी सेवा में तत्पर है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई, इस पर व्याख्या कीजिए। आंसर, लक्ष्मीबाई बड़ी वीरंगना है। उसने यह साबित किया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ते पर वह सबला भी बन सकती है। उसने झांसी की स्वतंत्रता तथा स्वराज के लिए अंग्रेजी सरकार का बड़ी वीरता के साथ सामना किया। उसने झांसी कालपी और ग्वालियर के लिए युद्ध किया। वह निपुरों की जानकार के स्थान पर तोपों को गर्जन सुनना चाहती थी। अबला होने पर भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध करती रही। लक्ष्मीबाई सेवा बलिदान और तपस्या की देवी है। रणभूमि में अपनी जान की बलि देकर स्वतंत्रता की सच्ची आदर्शील बनी। स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि देकर भी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग दिखाने और प्रेरणा देना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। उनकी बातों से प्रेरित होकर तात्या नाना साहेब मुंदर जूही तथा देश की जनता भी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए
मर मिटने तैयार हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई। जल की समस्या को समाप्त करने में छात्र क्या सहयोग दे सकते हैं? आज संसार के सभी देशों में जल का समस्या बनी हुई है। ऐसी खास और प्रभावशील समस्या का हल निकालकर कुछ जीवन बताने का यत्न करना सब लोगों का प्रमुख कर्तव्य है। जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जल की समस्याओं को समाप्त करने में छात्र निम्न प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। बिलो आर द सजेशन गिवन बाय द स्टूडेंट्स। जल का आवश्यकता अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। गंदगी कूड़े कचरों को जल प्रवाहों में गिराने को रोकना चाहिए। कुओं के पानी को दूषित होने से बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षों को पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध करना चाहिए। जल की बचत के लिए जल स्रोतों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर हरियाली बनाकर पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर हरियाली बनाए रखने का प्रयत्न करना है। खुद ही पानी का इस्तेमाल कम करते लोगों को जल संरक्षण संबंधी आशयों से परिचय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा क्यों दी होगी? राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक गोदावरी नदी ही स्तन्यपान कराया है। गोदावरी के तट पर शूरवीर भी पैदा हुआ है, बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी पैदा हुआ है, साधु संत भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। उसी प्रकार धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस गोदावरी नदी के तट पर ही पैदा हुआ है। कई ईश्वर भक्त भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। गोदावरी नदी चारों वर्गों की माता है। गोदावरी नदी पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। बाल मजदूर और भ्रष्टाचार हमारा देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनके निर्मूलन के लिए कलाम जी ने जो सुझाव दिया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कर्मठ निष्कामकारी और प्रसिद्ध विज्ञानवेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बाल मजदूरी के समाप्त करने के ही महत्वाकांक्षा रखते थे। उनके विचार में बाल मजदूरी करवाना एक महान अपराध है। संवादिन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने में खुद रुचि दिखाएं। अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्त दिलाने के लिए अभियान चलाएं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था करें। ऐसा करने से बच्चों को माता पिता ही नहीं, बच्चों के काम करवाने वाले में भी परिवर्तन आकर आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का निकास होगा। कलाम जी के ये प्रभावशीली सुझाव सचमुच असरदार और स्फूर्तिदायक है। इनके अमल करने से भारत देश में बाल मजदूरी की समस्या समूल दूर हो जाएगी। भारत देश संपन्न हो संसार में अपना महत्व बनाए रख सकेगी। कलाम जी के ये प्रभावशाली सुझाव सचमुच असरदार और स्फूर्तिदायक है। इनके अमल करने से भारत देश में बाल मजदूरी की समस्या समूल दूर हो जाएगी। भारत देश संपन्न हो संसार में अपना महत्व बनाए रख सकेंगे। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कलाम जी ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने घर और विद्यालय से ही आरंभ करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन में 3 लोग अधिक सहायक हो सकते हैं, माता पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक।